आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। जैसे कि सर्दियों का मौसम है और गाजर के हलवे की बहुत ही डिमांड है, तो हम बाज़ार से लाकर खाते हैं। बहुत ही डिलीशियस गाजर का हलवा बनाते हैं। तो आज मैं बिल्कुल वैसे ही हलवाई स्टाइल हलवा बनाना आज आपको सिखाऊंगी, जैसे कि बाज़ार में हलवाई बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। बस कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी, आपका हलवा भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हम दूध लेंगे। 1 लीटर मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ, यानी कि तकरीबन 4 कप दूध है। और अब हम इसे इतना उबालेंगे कि ये गाढ़ा हो जाए, तकरीबन 1.5 कप या 2 कप तक रह जाए, यानी कि आधा रह जाए, तब तक हम इसे उबालेंगे। ये फुल फैट मिल्क है, यानी कि बलाई इसमें से मैंने हटाई नहीं है, बलाई वाला दूध होना चाहिए। इसके अलावा अब हम गाजरें लेंगे। 3 किलो मैंने यहाँ पे गाजरें ली हैं, जिसे मैंने छीलकर कद्दूकस कर लिया है। ये आप देख सकती हैं, ये मोटा वाला, यहाँ से मैंने इसे कद्दूकस किया है। ये जो छोटे वाले हैं इसमें से आपने नहीं करने, ये बड़ा वाला जो है इसमें आपने करने हैं, ताकि थोड़े बड़े चंक्स हों। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे इसमें 3 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। 3 किलो गाजर है तो 3 कप ही मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। अगर आपको कम चीनी पसंद है तो आप कम भी ऐड कर सकती हैं। इस स्टेज पर हमने इसमें कोई दूसरी चीज़ ऐड नहीं करनी, ना ही हमने इसमें घी ऐड करना है और ना ही हमने इसमें दूध वगैरह पानी वगैरह ऐड करना है। सिंपल गाजर और चीनी डाल के पतीले में इसे हमने ढककर तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए पकाना है, मीडियम हीट पर। ये आप देख सकती हैं, तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं, तो चीनी जो है वो गलने के करीब है और जो गाजरें हैं वो भी नरम हो चुकी हैं। तो अब हम इसको भूनेंगे। सिंपल गाजर और जो चीनी है तो इसको हम भूनेंगे, ताकि जो चीनी और गाजरों का पानी है वो खुश्क हो जाए। मीडियम हीट आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई या फिर लो हीट पर आपने इसे कुक नहीं करना। मीडियम हीट पर आपने इसे कुक करना है, क्योंकि अगर आप इसे हाई हीट पर कुक करेंगी तो ये जल जाएगा, और अगर आप इसे लो हीट पर, लो फ्लेम पर कुक करेंगी तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो हमने इसको अच्छे से भून लिया है, इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये आप देख सकती हैं, ये गाढ़ा हो गया है, अच्छे से दूध हमारा गाढ़ा हो गया था, तकरीबन 2 कप रह गया था, तो वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ में भूनते जाएंगे। दूध को उबालना और इसे गाढ़ा करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। दूध हम डालते जाएंगे और इसे हम भूनते जाएंगे। तब तक भूनेंगे मीडियम हीट पर, जब तक कि इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाए। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें ऐड कर सकती हैं, काजू, बादाम या जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पे इसमें थोड़े से पिस्ते और किशमिश ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे। ये आप देख सकती हैं कि अब दूध इसका खुश्क होना शुरू हो गया, जो कि दूध हमने इसमें ऐड किया था तो वो भी खुश्क होना शुरू हो गया, हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। टोटल मैं यहाँ पे 6 खाने के चम्मच भरा हुआ, यानी कि इस तरह आप देख सकती हैं, 1 चम्मच इस तरह मैं लूँगी भर के, तो 6 टोटल हम यूज़ करेंगे। पहले मैं 3 टेबल स्पून यानी कि 3 खाने के चम्मच घी इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से भूनूंगी। तब तक हमने इसे भूनना है जब तक कि ये घी जज्ब ना कर ले। तकरीबन 5 से 6 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें मजीद घी ऐड करना है। आप देसी घी भी ले सकती हैं, मैं यहाँ पे नॉर्मल सिंपल घी ले रही हूँ। आप इसकी जगह देसी घी भी यूज़ कर सकती हैं, अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप वो यूज़ कर लें। अब हम इसमें मज़ीद घी शामिल करेंगे, यानी कि टोटल 6 खाने के चम्मच, 3 मैंने पहले ऐड किए थे और 3 मैं अभी शामिल कर रही हूँ।
इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, क्योंकि जो इसका घी होता है वो जब तैरता हुआ नज़र आता है तो बहुत हैवी हो जाता है हलवा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो इट डिपेंड्स ऑन टेस्ट, तो आप ऐड कर सकती हैं, लेकिन 6 टेबल स्पून ही काफ़ी है यहाँ पर। हलवे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसे मज़ीद भून लेना है। याद रखें कि हीट आपकी लो टू मीडियम होनी चाहिए पूरे प्रोसेस में भूनते हुए। अगर आप इसे हाई हीट पर फ्राई करेंगी तो ये अच्छा नहीं बनेगा, तो याद रखें कि लो टू मीडियम हीट पर आपने इसे भूनना है। तो इसका अच्छा सा कलर और स्मेल आने शुरू हो गई है। अब हम इसमें इलायची ऐड करेंगे, ये 1 टी स्पून क्रश की हुई इलायची है। अगर आप चाहें तो आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। ये जायफल और जावित्री का पाउडर है। मैं तकरीबन 2 चुटकी यहाँ पे जायफल और जावित्री का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा स्मेल, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब हम हीट को यानी कि फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हम खोया ऐड करेंगे, जिसे मावा भी कहते हैं, 1 कप, और इसे हम हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, हल्का समय है बस, बहुत ज़्यादा हमने इसे मिक्स नहीं करना। तो ये हलवा हमारा तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के लिए पहले एक बॉल या फिर इस तरह कोई डिश लेंगे, और इसकी जो इसका जो बेस है तो इसमें हम मावा या खोया थोड़ा सा डालेंगे, और इसके बाद हमने इसके ऊपर गाजर का हलवा डाल लेना है। फिर से एक लेयर इस तरह करके हमने खोए की लगा लेनी है। खोया हमने क्रश कर लिया, यानी कि कद्दूकश कर लिया है मैंने। टोटल मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा खोया मैंने इसमें यूज़ किया है। तो ये फाइनल लेयर गाजर के हलवे की मैंने लगा दी है, और इसके ऊपर थोड़ा सा खोया पिघलाकर मैंने लगा दिया था, जिसकी वीडियो मैं बना नहीं सकी, कैप्चर नहीं कर सकी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा खोया हल्का सा पिघलाकर मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसा हलवा हमारा तैयार है, जैसा कि हम बाज़ार में खाते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।